मुझ पे एक एहसान करना मुझ पे कोई एहसान ना करना शायद आप बता सकते हैं ये हैं हमारे भाईजान सलमान खान का किस मूवी से ये भी बता देंगे शायद जैसे बजरंगी भाईजान और अगला है 2011 के वर्ल्ड कप में जब धोनी ने वर्ल्ड कप जिताया था शॉर्ट मार के सिक्सर मार के तब किसने क्या कहा था तो आप बोलेंगे रवि शास्त्री ने बोला था धोनी फिनिशिंग ऑफ इन इट्स स्टाइल इसी तरीके से आज हम, हम हमारे एमपी बोर्ड के महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट कवि परिचय याद करने जा रहे हैं तो बने रहिए है हमारे साथ पहला सूरदास सूरदास की रचना है सूर सागर साहित्य लहरी बीजक सूर सागर और साहित्य लहरी और दूसरे कबीर कबीर जी की हैं बीजक साखी सबद और रमेनी बीजक एक है और उसके तीन पार्ट हैं साखी सबद और रमेनी और हमारे तीसरे नंबर के कवि है जयशंकर प्रसाद जयशंकर प्रसाद को हम ट्रिक में याद करेंगे जैसे जयशंकर प्रसाद कंकाल जैसे थे उनकी बेटी कामायनी तितली जैसी थी और बेटा चंद्रगुप्त आंसू से लहर ला देता था अब इसमें ट्रिक क्या है सिंपल जो आपको हाईलाइट करके दिख रहे वो उनकी रचना है आपको अगर एग्जाम में जयशंकर प्रसाद आया तो आपको ये पूरा का पूरा डायलॉग जैसे याद करके लिख देना है और जो जो रचना है उनके नीचे अंडरलाइन करना और आपको पता है कि डायलॉग और लाइन से हमें आसानी से याद हो जाता हो जाता है जैसे हम याद करेंगे जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है कंकाल कामायनी तितली आंसू चंद्रगुप्त आंधी लहर तो इस तरीके से हमें डिफ़िकल्टी होगी तो हम क्या करेंगे पूरी लाइन याद कर दे कर लेंगे जैसे जयशंकर प्रसाद कंकाल जैसे थे उनकी बेटी कामायनी तितली जैसी थी और बेटा चंद्रगुप्त आंसू से लहर ला देता था इस तरीके से जो जो हाईलाइट करके जैसे कंकाल कामायनी तितली चंद्रगुप्त आंसू आंधी लहर ये इनकी रचनाएँ हैं पर हमारे अगले कभी हैं मैथिली गुप्त मैथिली गुप्त को याद करने की ट्रिक है मैथिली गुप्त पंचवटी गए वहाँ उन्होंने रंग में भंग डाल दिया जिससे नाराज़ होकर यशोधरा जी ने जयदत्त का वध कर दिया इसमें मैथिल गुप्त जी की रचना है पंचवटी रंग में भंग यशोधरा और जयदत्त वध अगले हमारे फोर्थ कवि हैं तुलसीदास जी की हम रचना टेंथ से याद करते हैं रहे तो इनको याद करने में हमको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी इनकी रचना है रामचरित मानस विनय पत्रिका गीतावली दोहावली कृष्ण गीतावली जानकी मंगल पार्वती मंगल और कवितावली हम अगले कभी हैं हमारे सूर्यकांड त्रिपाठी निराला इनके ट्रक ट्रिक है सूर्यांड त्रिपाठी था निराला उसका बेटा तुलसीदास था काला उसने अनामिका आराधना अर्चना और गीतिका के साथ विवाह रचा डाला हमारे अगले कवि है शिव मंगल सिंह सुमन शिव मंगल सिंह सुमन के बेटे मिट्टी की बरात विंध्य हिमालय जा रही थी जीवन के कान चल रहे थे यह देख उनका विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी इसमें से उनकी रचना है मिट्टी के बारात विन्ध्य हिमालय जीवन के गान विश्वास पढ़ता ही गया और अगले हमारे कवि हैं बिहारी बिहारी जी की सिर्फ एक ही रचना है बिहारी सतसई हमारे नए नौवें नंबर के कवि हैं श्री कृष्ण सरल श्री कृष्ण सरल के ट्रिक है श्री कृष्ण सरल ने हमारे देश के क्रांति ज्वाला शहीद भगत सिंह सुभाष चंद्र जय सुभाष और स्वराज तिलक लग, लगाया जिसे हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे श्री कृष्ण सरल ने हमारे देश के क्रांति ज्वाला शहीद भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस को जय सुभाष बोलकर स्वराज तिलक लगाया इसमें उनकी रचना है क्रांति ज्वाला शहीद भगत सिंह सुभाष चंद्र जय सुभाष और स्वराज तिलक हमारे दसवें नंबर के कवि हैं बालकृष्ण कृष्ण शर्मा नवीन बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की तिलक है नवीन के तीन तलाक हुए उर्मिला कुमकुम -कुम, रशीम रेखा से जैसे हमारे इंडिया में अभी तीन तलाक के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही थी तो उसके ऊपर ये है जैसे उर्मिला कुमकुम -कुम और रसिम रेखा से बालकृष्ण शर्मा जी के तीन तलाक हुए हमारे ग्यारहवें नंबर के कवि हैं केशव दास जी केशव दास जी ने दो बच्चियां गोद ली, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका दोनों को वे विज्ञान गीत, गीता और वीर वीर चरित्र एवं कवि प्रिया सुनाते थे तो इनमें उनकी रचना है रसिक प्रिया रामचंद्रिका विज्ञान गीता और वीर चरित्र एवं कवि प्रिया तो चलिए फटाफट फटाफट हम अपने कवि फरीचे रिवाइज करें और याद करने की कोशिश करें पहला है सूरदास सूरदास जी की रचना है सूर सागर साहित्य लहरी और सुरसरावली दूसरे हमारे कवि हैं कबीर उनका एक रचना है बीजक और उसके तीन पार्ट हैं साकी सबद और रमैनी तीसरे कवि है हमारे जयशंकर प्रसाद और उनकी ट्रिक है जयशंकर प्रसाद कंकाल जैसे थे उनकी बेटी कामैनी तितली जैसी थी और बेटा चंद्रगुप्त आंसू से आंधी और लहर ला देता था इनमें उनकी रचना है कंकाल खामैनी तितली चंद्रगुप्त आंसू आंधी और लहर और हमारे चौथे कवि हैं मैथिली गुप्त उनकी रचना है मैथिली गुप्त जी पंचपटी गए वहाँ उन्होंने रंग में भंग डाल दिया जिससे नाराज होकर यशोधरा ने जयदत्त का वध कर दिया इनमें उनकी रचना है पंचवटी रंग में भंग यशोधरा जयदत्त हमारे चौथे कवि है तुलसीदास इनकी रचना है रामचरित मानस विनय पत्रिका गीतावली दोहावली कृष्ण गीतावली जानकी मंगल पार्वती मंगल और कवितावली हमारे पांचवी कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनकी ट्रिक है सूर्यकांत त्रिपाठी था निराला उसका बेटा तुलसीदास था काला उसने अर्चना अनामिका आराधना के साथ और विवाह रचा डाला हमारे सातवें कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन शिव मंगल सुमन के बेटे मिट्टी की बारात विंध्य हिमालय जा रही थी जीवन के गान चल रहे थे ये देख उनका विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी इनमें उनकी रचना है मिट्टी की बारात विंध्य हिमालय जीवन के गान विश्वास बढ़ता ही गया पर आँखें नहीं भरी अगले हमारे कवि हैं बिहारी सिर्फ इनकी एक ही रचना है बिहारी सत्से नौवें नंबर के कवि है श्री कृष्ण सरल श्री कृष्ण सरल ने हमारे देश के क्रांति ज्वाला शहीद भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस को जय सुभाष बोलकर स्वराज तिलक लग लगा की है इनमें उनकी रचना है क्रांति ज्वाला शहीद भगत सिंह सुभाष चंद्र जय सुभाष और स्वराज तिलक हमारे दसवें नंबर के कवि है बालकृष्ण शर्मा नबीन इनके ट्रिके नवीन के तीन तलाक हुए उर्मिला कुमकुम -कुम और आखिरी में रशिम रेखा से इनमें उनकी रचना है उर्मिला कुमकुम -कुम और रशिम रेखा केशव दास है हमारे ग्यारहवें नंबर के कवि उनकी हैं केशव दास जी ने दो बच्चियाँ गोद ली जिनका नाम था रशिक प्रिया और रामचंद्रिका दोनों को विश्व वैशम विज्ञान गीता वीरचरित्र एवं कवि प्रिया सुनाते एवं पढ़ाते थे तो आशा करता हूँ कि आपको रचनाएँ कवि परिचय की रचनाएँ याद हो गई होंगी और आपको इसकी पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या कमेंट बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं मैं आपको वहाँ से लिंक प्रोवाइड कर दूँगा तो आप वहाँ से पी डायरेक्ट फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन और भी नए नोट्स और ट्रिक्स आपको पढ़ने के लिए मिलें